पिंचर हो गया। राहुल और अग्रेश की जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। सुनो पलक को जीत है बिजलियां गिराने की, हमें भी जीत है राहुल तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने की। इनके सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे, सपने ही रह जाएंगे। मुगली लाल के सपने, तभी तो 99 सीट लाए, 100 भी नहीं लेके आए, 99 लेके आए, 100 तो लेके आते कम से कम। 41 का ला दे, चार सुपर, अरे भाई ये देखो ये खटा खटका था। मोदी की बात बताइए एक भाई, अखिलेश यादव ये जब कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी बड़ी चालू पार्टी है, इस पर भरोसा मत करना, इसको वोट मत देना, प्लीज सर इसको वोट मत देना, चालू पार्टी है, ये भरोसे के लायक नहीं है, उसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में गठबंधन करेंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे, क्या भरोसा है भाई? चालू पार्टी है तो क्या चालाकी चल रही है? कामयाब है, मजबूत है। यहाँ तमाम लोगों को बता दूं कि अभी जो मुद्दा है वो ये है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी इनका गठबंधन चुनाव लड़ सकता है। अब किसी को अगर इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करनी है यहाँ से जा सकता है, पहली बात ये। दूसरी बात यही मुद्दा है, सर आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, मोदी योगी की लहर को रोका है, तो हम महाराष्ट्र भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे और हरियाणा जाएंगे, वहाँ भी हम जो है कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, क्या लग रहा है ये जोड़ी सफल हो पाएगी यूपी के बाहर? देखो वो तो लो, इनके ऊपर कोई बात नहीं है, तो जनता की बात है, जनता जिसको पसंद करेगा समर्थन करेगा, और जनता जिसको पसंद नहीं करेगा नहीं करेगा समर्थन। मेन बात हो अपना पसंद की, जो कौन किसको पसंद करता है। लोग जो है ना इतना होशियार हो चुके हैं, राजनीति पे नहीं जाता, अब राजनीति का दिमाग तो अलग है। देखो बहुत दम है यूपी, दम अगर ना होता, दम है जबी तो यूपी हिला दिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बाबा का बुलडोजर वहाँ पर काम नहीं आया, बाबा की सरकार इतने समय से थी लेकिन फिर भी अखिलेश राहुल जो है गजब का माहौल कर दिया। अभी थोड़ी सी हवा है वो भी निकल जाएगी, सच बोला है, थोड़ी सी हवा आई थी राहुल की और अखिलेश की, वो भी निकल जाएगी। इतनी पुरानी पार्टी, 99 का आंकड़ा भी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई, उनकी ये कह रहे हैं। यूपी में भी खटाखट 8.5 हजार रुपए का लालच दे के लिए वोट, पब्लिक को ही पता लग गया, धूप में खड़े खड़े परेशान हो गए, खटाखट मोहब्बत की दुकान खुलेगी। कर्नाटक में सरकार बनी है, 3 रुपए पेट्रोल के बढ़ा दिए, पानी का टैक्स लगा दिया, सबके रेट बढ़ा दिए। ये जो कह रहे हैं खटाखट, रुक जाओ, ये जो कह रहे हैं खटाखट, भाई 15 लाख भी खटाखट आए थे क्या? उसका लालच का अभी तक नहीं खत्म हुआ, अभी तक नहीं लालच खत्म हुआ है? है जी, आपको लग रहा है ये जोड़ी कमाल कर पाएगी? बिल्कुल, पूरा करके यूपी के बाहर भी बिल्कुल करेगी, यूपी के बाहर भी कमाल। पहले ये लोग कहते थे प्रधानमंत्री हमारे पप्पू जी बनेंगे, नहीं बन पाए, सपने टूट गए इनके, आलू से सोना उगाने वाले थे। तुम्हारे 15 लाख का जवाब देते हैं, इनके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, दोबारा से सुनना निकाल के क्या बोला था। विदेश में इतना काला धन है कि भारत में आ जाएगा तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, यूनिका उन्हें गारंटी कार्ड देके खटाखट डालूंगा, ठीक है? और ये जवाब देता हूँ, 10 साल बता, सुनिए 10 साल से इनकी गवर्नमेंट किसकी है? सेंट्रल में मोदी जी के, क्या आलू छिल रहे थे क्या 10 साल से? वो क्या काला धन के लिए बोल रहे थे? तो काला धन नहीं, क्या आलू छिलने के लिए उनको चुना गया था? तो क्या है मंगवाए नहीं, और 2 करोड़ नौकरी के लिए कहे तो वो क्यों नहीं किए? अब बताइए 85 के लिए खटाखट और 15 लाख 2 करोड़ नौकरी के लिए टक की बात नहीं करेंगे। और रही यूपी में इनकी, तो इनका यूपी और अखिलेश और राहुल ने मिलकर डीजल ही खत्म कर दिया, आयल ही खत्म कर दिया, अब आयल हम लग के चलेगा, आम युवाओं का अब आयल डाल के चला रहे हैं कि पूरे भारत में तैयारी है इनकी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहाँ पूरी है पूरी, अब आयल हम लोग का चलेगा, क्या रहे हैं डीजल ही खत्म कर दिया। अखिलेश राहुल की जोड़ी मोहब्बत की दुकान खोल रही है भाई साहब, कहाँ जाएंगे मोदी जी कह रहे हैं कहाँ? सुनो डीजल पेट्रोल तो इनका खत्म हो चुका है, ठीक है, और ये दूसरे को तो बैसाखी की सरकार कहेंगे और खुद लूले लंगड़े हुए वो नहीं दिखाई दे रहे हैं इन लोग को, पहली बात, ठीक है। और ये 15 लाख वाली कह रहे हैं, वैसे मोदी जी ने बोला नहीं है, 15 लाख उनने दे दिए, सोचो पता कहाँ से दिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया है, अभी 3 लाख रुपये घर के लिए मिलने, 3.5 लाख रुपये, 8 लाख तो यही होगा सीधे, ठीक है तेरे घर को नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, क्यों? अच्छा हराम का मिलेगा, उसे बेच के खाएगा, हराम का मिलेगी, खरीदो मकान, अरे छोड़ो ये बंदे वो है, हराम का मिलेगा उसे भी बेच के खाने की सोच रहे, ठीक है। और सुनो जनधन योजना, कन्या विवाह, इस तरह की कई स्कीमें ऐसी हैं
ये स्कीम है जो 15 लाख के बराबर हो गए। अब इन्हें इन्हें पता क्या अच्छा लगता था, अब इनको बम पटाखे फूटने अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। इन्हें शांति माहौल पसंद नहीं है, ठीक है। और दो चार मार्केट में ऐसे घोड़े छोड़ रखे हैं, उनको आके कुछ नहीं, उन्हें ये पता नहीं है, वो फेल होने की भी खुशी बना रहे हैं। अरे अगला पास तो हो गया, मेहनत करे चाहे कैसे करे, पास तो हो गया, ये चाहे कैसे बुला, ये फेल होने की खुशी बना रहे हैं। इनके पप्पू को तो शर्म नहीं आती है, जो उसके पक्षपात हैं, जो पप्पू के चमचे हैं, उनको भी वो भी बेशरम बन गए। वो तो चूड़िया पहनना पहन रखा है, अब कुछ दिनों में इन्हें भी चूड़िया पहना के घूमेंगे। अरे कह रहे हैं जिसको पप्पू कह रहे हैं ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के, इनके खानदान में कोई नहीं पढ़ा होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, इनके खानदान की बात कर रहा हूँ। अरे पप्पू कह रहे हैं वो तूफान नहीं आंधी है, और जिसका नाम राहुल गांधी है। अब ठीक है, अब तक पनौती कौन है? सुनो सुनो, पनौती कौन है? पनौती पप्पू है, पप्पू। देखो पप्पू के चेले कितने खुश हो रहे हैं, आलू से सोना निकालने के बयान का। मोदी जी बोले थे इस तरह से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे, मोदी जी के बात है। और इनका जो आईटी सेल है वो काट के लगा दिया उनको, उनको काट के लगा दिया। और एक करे आलू जैसा आलू, ये मोदी जी का बयान, आलू से डालो उधर सोना निकालो। अपने गांधी की बात मोदी पे रख दी, राहुल ने कहा था, आप लोगों ने रील देखा कि राहुल ने कहा था एक तो आलू डालो एक तो सोना निकालो। राहुल मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, राहुल गांधी ने ये कहा था, वो एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहे थे कि मोदी जी की बातें, उनकी योजनाएं ऐसी होती है कि जैसे यहाँ से आलू डाल देंगे वहाँ से सोना निकल जाएगा। वो उदाहरण कभी वो कहते हैं यूपी की महिलाएं ऐसी हैं हर हफ्ते बच्चा पैदा कर सकती है, कभी कहते हैं नाले में पाइप डालो कोयले पे स्टोव जलाओ। उसके भाषण तो सुन लो, उसका भाषण तो सुन लो। और तुम कहते हो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा इसलिए उसको हैरी पॉटर के साथ ही भेज दिया है। अभी कह रहे कि अभी ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव में राहुल गांधी निखर के आए हैं, जो कमाल किया है इन्होंने, और अब तो अखिलेश भी साथ में है, जोड़ी बन गई है यूपी के दो लड़कों की। कह रहे यूपी के दो लड़के पूरे भारत में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कहीं नहीं खुलेगी, खटाखट हुआ था ना, अब क्या बांटोगे? नोट छापने की मशीन सीधी, पहले तो क्या खटाखट खटाखट 8.5, अब क्या दोगे? सीधी नोट छापने की मशीन, क्या आ जाओ नोट छाप के देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, पहले ये कहते थे चुनाव से पहले पप्पू बनेगा प्रधानमंत्री, बन गया नहीं बना। अब भी कहते हैं छह महीने कहते हैं, 6 महीने से 1 महीना निकल चुका है, 5 महीने रह गए, ये कहते हैं 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। 6 महीने तुम लोग भी यही हो, हम भी यही है। कह रहे भाई अब राहुल अकेले की जोड़ी, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी पूरे भारत में छाने वाली नहीं चल पाएगी, क्योंकि इन्होंने रेल जो मतलब जो यात्रा चलाई थी 12 यात्रा, तो इन्होंने क्या किया था, इनसे पूछे ट्रक वालों को पैसे दिए, ट्रक वाले थाने में आ गए एप्लीकेशन लगा रहे राहुल गांधी ने हमें पैसे नहीं दिए, पैसे दिए मिठाई वालों को पैसे दिए नहीं दिए, ये कैसे लगे। इधर मंच पर राहुल गांधी बोले मेरे प्रिय राहुल अखिलेश यादव को भारी मोहम्मद से बजाना था। उधर अखिलेश यादव कहते कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, बता कहाँ से चलेगी ये बताइए। ये अच्छा एक ये बयान है, आप इधर आइए, ये ड्राइवर इनके घर जाके पैसे मांगने गया, ये दिएगा, देखो दिएगा इन्होंने। एक बात बताइए एक भाई, अखिलेश यादव ये जब कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी बड़ी चालू पार्टी है, इस पर भरोसा मत करना, इसको वोट मत देना, प्लीज सर इसको वोट मत देना, चालू पार्टी है, ये भरोसे के लायक नहीं है। उसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में गठबंधन करेंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे, क्या भरोसा है भाई? चालू पार्टी है तो क्या चालाकी चल रही हो अंदर? मैं बता रहा हूँ, बता देगा तो आपको क्या लग रहा है, ये जोड़ी है कामयाब है, मजबूत है? एक कहते हैं बिहार में जाकर मिस्सा, हमको नीतीश कुमार का साथ नहीं चाहिए, उनके लिए हमारे हमेशा के लिए दरवाजा बंद है। आज नीतीश जी का पैर पकड़ने, नीतीश बाबू नायडू बाबू, आजकल सुनो मेरी बात सुनो, आज ये जमाना चल रहा है कि 2 कैल्शियम की गोली रखे हैं मोदी जी, एक बार नीतीश जी को खिला रहे हैं, एक बार उसको नायडू जी को, और जहाँ थोड़ा सा डिस्प से आया ऐसा पलट जाए। देखो पहली बात तो सबने देखा होगा किसके पैर किसने छुए हैं, ठीक है। आप कसम से अगर इनका काम सुनो, इनका काम पता क्या रह गया, मैं इन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सुनो 5 साल रो लिए हो ना, 5 साल और रोना पड़ेगा, 5 साल और बचते रहेंगे, बिल्कुल तैयारी में पूरा। कह रहे कि यात्रा निकालेंगे साथ में राहुल, अब तो उसकी यात्रा में कोई जाने वाला भी नहीं है, वो पहले धोखा देते ट्रक वाले लेबर को, 5-5 साल जिसको दिए वो भी धोखे में। अब तो ट्रक वाले भी नहीं जाएंगे, उनको पता है पहले के पैसे दिए नहीं, अब बहने द्वारा यात्रा पे जाएंगे फिर हमारे रोक लेंगे। अच्छा बताओ पूरा का पूरा मोहब्बत की दुकान का पूरा प्लान बन चुका है, राहुल गांधी के जन्मदिन पर ही फिक्स हो गया है कि अभी दोनों मिलके यूपी के दो लड़के मिलके। अच्छा राहुल गांधी की आपने बर्थडे की वीडियो देखी ना वायरल 10 वाली, सबने देखी है बर्थडे किसका विश हो रहा है सबने देखी है, तो इनकी इनकी पार्टियों में यही होता है, यही होता है इनकी पार्टियों में।
ये मोहम्मद खान टन करके खोलते हैं, सबने देख पूरा भारत देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तुम नाले की गैस से चाय बनाओ, नाले की गैस से चाय बनवाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते श्री श्री नरेंद्र मोदी दास बोलते हैं कि नाले की गैस से चाय बनाओ। इनको बताइए ये भाषण किसने दिया था, इनको बताइए राहुल गांधी पप्पू जी ने भाषण दिया था ये वाला। इन्हें ये पता नहीं गोबर गैस से भी चाय बनती है, इन्हें यही पता नहीं है, यही तो अज्ञानी के लोग हैं। ये विपरीत काले विपरीत गोबर से भी चाय बनते हैं, ये पता नहीं है। यूपी में पिंचर हो गया तो ठीक है, ये दिल्ली की जनता है कह रही कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर अभी कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पाएगी। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल राहुल और अखिलेश की घोड़ी ठीक है, अब दुनिया मिलकर तोड़ी राहुल और अखिलेश की जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। पलक को जीत है बिजलियां गिराने की, हमें भी जीत है राहुल तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने की। इनके सपने हैं, सपने ही रह जाएंगे, सपने पूरे सपने ही रह जाएंगे। मुगली लाल के सपने, तभी तो 99 सीट लाए, 100 भी नहीं लेके आए, 99 लेके आए, 100 तो लेके आते कम से कम। 41 का इलाज है, 405। अरे भाई ये देखो, ये खटा खट का था मोदी का नारा क्या था, इनका मोदी का नारा क्या 400 पार का मतलब 400 का नारा है तो क्या था बता बताइए 400 पार। इस बार मोदी सरकार तीसरी सपा मोदी है, ये कह रहे हैं 400 पार। आप लोगों ने भी कहा था क्या नारा था, मोदी ने भी कहा था 400 पार मोदी सरकार, 400 पर आए ना, सरकार किसकी बनी, मोदी सरकार तीसरी बार 400 पार। अब देश की जनता इनको कर दी सात समुंदर पार। मोदी बोलता था अच्छे अच्छे काम होंगे, गरीबों को सब कुछ मिलेगा, कहा मिला कुछ मिला, ठेंगा मिला, ना झोपड़ी मिला ना कुछ मिला। अबे राहुल गांधी चाहिए, क्या चाहिए राहुल गांधी, राहुल गांधी हाँ हालत देख लो इनकी, राहुल गांधी चाहिए। गरीबी को बोला था, नशेड़ी को नहीं बोला था, फट जाएंगे राहुल गांधी आ गए तो।